नहीं होगा उस तरह से जिस तरह से मुक्तिबोध के होने का एक अर्थ मेरे मन में अंकित होता है। तो एक तो ये आप अपनी कहानियों में इतनी सारी जो सूचनाएं और इतने सारे तथ्य और इतनी सारी जानकारियां देते हैं, ये बात आपको अपने समय के अन्य अधिकांश कहानीकारों से अलग तो करती है, लेकिन क्या उदय जी जरूरी है कि वो सारी सूचनाएं कहानी में दी जाए? मैं तो सोचता ही नहीं हूँ जरूरी है कि नहीं जरूरी है। मैं शायद लिखता हूँ तो मैं सोचता ही जो रहती है दिमाग में वो सारी चीजें आती हैं। और लेकिन एक चीज मैं जरूर करना चाहता हूँ, मोहनदास को अगर आप वो निकाल दें इटैलिक्स को, ये 1935 की कहानी लगेगी, ये तब की कहानी लगेगी जो ब्रिटिश पीरियड की कहानी है और प्रेमचंद के समय की कहानी है। और आज भी बदला नहीं है, वही कहानी है जो प्रेमचंद लिखते थे, वही मैं लिख रहा हूँ। बस ये बताना चाहता हूँ मैं कि मैं जिस टाइम में हूँ तो मैं बीच बीच में ब्रेक करता हूँ कि ये जो हो रहा है वो आज हो रहा है, इसको ध्यान दो, अभी नहीं, वो पहले कभी नहीं हुआ था, अभी हुआ है, अभी हो रहा है। मैं उसे रेफरेंस देता हूँ कि ट्विन टावर्स गिरे हैं, ये जॉर्ज बुश आ गया है और तमाम सब है। तो इसको देखिए, जो थोड़े से प्रबुद्ध लोग हैं वो जानते होंगे, इसको ब्रेक्स ने यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था, इसको डायडेक्टिक कहते हैं ना, कि आप अचानक नाटक कर रहे हैं अचानक आप बताते हैं कि नाटक है ये, और ये जो पात्र है ये अभिनय कर रहा है, ये तो दुर्गा प्रसाद जी है ना, तो अचानक झटका लगता है और आप लौट आते हैं अपने समय में। तो मुझे लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि कहानी कोई सम्मोहन ना हो। मेरा 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 उद्देश्य रस की अवधारणा है ना, कि उसको अलौकिक लोक में ले जाऊं, कि आप क्या मतलब आप लौट के आइए और देखिए कि अभी हो रहा है ये। तो ये काम मेरे ख्याल से हर कहानी करती है, हर कहानी को करना चाहिए। और ये मैंने हर कहानी में कोशिश की है। आपको याद होगा जब वॉरेन हेस्टिंग का सांड, उसे मैंने कोशिश की कि लॉर्ड क्लाइव 250-300 साल पहले थे, उन्होंने जो कहा भारतीय प्रशासन के बारे में, यानी वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन था, अधिकारी थे, अफसर थे, आप उसको पढ़िए, मैंने उसको शुरू में ही कोट किया, बिल्कुल शुरू में। और उसके पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि 250 साल के बाद भी वही है, कुछ भी नहीं बदला है। तो ये जो कंटिन्यूटी है, जो कॉलोनियल कंटिन्यूटी है, तो लंबे समय से चली आई, आज तक चली आ रही है, मैं इसको याद दिलाता हूँ। और याद जानबूझ के नहीं दिलाता हूँ, कहते हैं ना कि आप वॉरेन हेस्टिंग्स का सांप सांड पढ़िए, वो एक कोशिश है जो कॉलोनियलाइजेशन की, अपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है उसको समझने की। कई कई बार आप कहानी लिखते हैं तो कहानी सिर्फ कहानी के लिए नहीं लिखते हैं, आप कई चीज़ों को समझने के लिए लिखते हैं, तो कभी न कभी वो लर्निंग होती है कि आप अपने सुनने को जानना चाहते हैं। उस कहानी की भी बड़ी लोकप्रियता रही है, बहुत लोकप्रिय, मैं तो मानता हूँ कि लोग समझते हैं दुर्गा प्रसाद जी। और वैज्ञानिक जो होता है एक सूत्र देता है और आप उसको कहें कि नहीं तुम ऐसा कुछ करो, ये हर कोई ढोल बजाए और गाए कि हाँ तुमने सापेक्षता का सिद्धांत दे दिया, तो कई बार ऐसा नहीं होता है। कई बार होता है कि आप एक सूत्र देते हैं और फिर उससे उसको ले करके बहुत से लोग और कहानियाँ लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद ज़रूरी है। और ज़रूरी क्या है कर मतलब मैं ऐसा करता हूँ, कई बार करता हूँ, कई बार ऐसा भी लिखता हूँ जो मज़े के लिए लिखता हूँ कि आप खुश हो जाएं, है ना, और आपको अच्छा लगे, लेकिन उसको भी आप पढ़ेंगे तो कुछ लगेगा कि इसमें कुछ है। तो ये है। एक जो अभी आपने शुरू में बात कही थी कि मतलब बहुत सी जो कहानी प्रतियोगिता होती है उसके आप निर्णायक जैसे रहे हैं और आप लगातार रहते हैं, तो मैंने अधिकतर ये देखा है कि जब निर्णायक के रूप में होते हैं तो अधिकतर उन कहानियों को चुना जाता है जिसमें कोई एक संदेश होता है, भले ही उसका शिल्प जो है थोड़ा सा कुछ कमज़ोर क्यों ना हो। मतलब जो कोई ज़रूरी है कि कहानी में थोड़ा दुख या कुछ ऐसी अभाव वाली चीज़ें ज़रूरी हो, मतलब एक रोमानी कहानी भी हो सकती है
कोई खूबसूरत कहानी भी उस तरीके से हो सकती है, लेकिन जब जीतती है कहानी तो वो अधिकतर एक संदेश वाली कहानी होती है। मतलब ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा है तो उसका भी अपना एक महत्व है, तो वो महत्व कहानी में क्यों कम नजर आता है? लेकिन आपको किसने बताया कि मैंने कोई जमजूरी हो, मैंने तो कभी निर्णय नहीं देता। नहीं नहीं, और दूसरा मैं चाहता भी नहीं कोई संदेश आए। नहीं नहीं, अभी एक ही बार मैं बना हूँ कहानी का पहली बार। ये दूसरे जज होंगे। मैं कभी नहीं, कहानी है देखिए, और उसमें आप ये नहीं कर, संदेश है कि संदेश नहीं है, क्या कुछ है कि ऐसा नहीं है, गरीबी है कि नहीं, कोई अर्थ नहीं इसका। अच्छी कहानी होती है, और अच्छी कहानी इतनी देर से बता रहा हूँ अच्छी कहानी क्या होती है ना। तो इसके लिए कोई ये वो पॉलिटिकल है जो भी आप कह रही हैं ना, मेरा कोई ये मकसद नहीं है। मेरी कहानी वो फिल्में बनती हैं। अभी इसी 11 जनवरी को, कितने दिन हुए हैं, 11 जनवरी को एक दिल्ली की दीवार पर एक मराठी फिल्म आई है, रिलीज़ हुई है। ये राम कुमार सिंह जी बैठे हुए हैं, वो जानते हैं, अमोल गोले उसके डायरेक्टर हैं, और अमोल गोले भी बहुत बहुत युवा हैं आप लोगों की तरह हैं, और बहुत बहुत यंग हैं। उन्होंने क्यों चुनी वो कहानी, अब मैं आपको बताऊं, मैं कोई संदेश देने के लिए नहीं लिखी थी उस कहानी को। आप काला धन कहते हैं ना, काला धन, ब्लैक मनी। अब ये सोचिए 16-17 साल पहले मैंने किताब पढ़ी, और किताब थी प्रोफेसर अरुण कुमार की, JNU के थे, प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के। 1990 में किताब आई पेंगुइन से, ब्लैक मनी इन इंडिया। तो मैंने पढ़ा उसको, मुझे लगा अरे 90 में 45% काला धन है, यानी 100 रुपये आप लेके जाते हैं बाजार में तो 100 रुपये का जो वैल्यू है वो 55 रुपया है। कि मैंने कहा मैं तो लिख रहा हूँ 2004 में, अब 100 रुपये की क्या वैल्यू होगी, मुझे लगा वो 23-24 रुपये होगी। आप 100 रुपये लेके मार्केट जा रहे हैं, वो 23-24 रुपये का है, तो कहीं ना कहीं परेशान तो करता है, कैसा क्यों है। फिर कहानी तो कोई इकोनॉमिक डेटा तो है नहीं, आप ये देखते हैं अगर ऐसा हो गया तो मनुष्य की ज़िंदगी में क्या होगा, उसकी मानवीय परिणतियाँ क्या होंगी, वो अच्छी होंगी कि बुरी होंगी। तो तब पता लगता है कि वो राम निवास नाम का सफाई कर्मचारी आ गया है ना। तो इस तरह से दिल्ली की दीवार कहानी लिखी गई, और दिल्ली की दीवार तब लिखी गई जब कोई काले धन की चर्चा ही नहीं थी, ना कोई अन्ना हजारे थे, ना कोई अरविंद केजरीवाल थे, ना कहीं काला धन कोई इशू था। मुझ पर आरोप लगे ये कहानी तो गड़बड़ है, उसका बड़ा विरोध हुआ। लेकिन आज आप देखिए कि वही कहानी है जो आप इसी राजस्थान में DSC की फाइनलिस्ट थी, और शायद अंग्रेजी के बाहर दूसरी भारतीय भाषा की पहली बार ऐसी घटना थी वो फाइनल में थी, और आज हर कोई जानता है कालाधन, कालाधन को लेकर पूरी राजनीति हुई। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने समय को देखना पड़ता है, उसमें कोई संदेश नहीं है। संदेश अगर है यही, संदेश अगर है तो सर सिर्फ यही संदेश है शायद कि इतना कालाधन नहीं होना चाहिए, और इतना ज़्यादा अमीरी की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, इतना ज़्यादा लोभ नहीं होना चाहिए, और बहुत अधिक अचानक आई हुई जो आज का पूरा खेल है स्लम डॉग्स मिलियनेयर का, कि आप सट्टा खेलिए, आप लॉटरी करिए, आप जुआ खेलिए, और आप श्रम मत करिए, है ना, और आप अचानक अमीर बन जाइए, और क्विज में जीत जाइए, और फला जगह आप ये कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो है, मुझे लगता है हो सकता है मैं गलत हूँ, कि यह त्रासद भी होती है, बिना किसी तार्किक अचानक आया हुआ धन वो बहुत अच्छा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों को पैदा करता है जो, अब वो उसकी कहानी है दिल्ली की दीवार, तो सिडनी में छपी, अमेरिका छपी, हर देश में छपी। तो मुझे लगता है शायद कुछ दावा करते को बचाने का दावा करते हैं, क्योंकि वो घास के बारे में चुप रहते हैं, अगर घास नहीं बचेगी तो शेर नहीं बचेगा। जब तक आप घास को नहीं बचाएंगे तब तक शेर नहीं बचेगा, क्योंकि घास नहीं बचेगा तो बहुत सारे सब्सिस्टेंस जो है उसके सर्वाइवल को नहीं बचेंगे। तो कहीं ना कहीं आप जब कुछ लिखते हैं तो उसके स्रोत से, उसे जड़ से लेकर के और उसके फल तक पहुँचते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ऐसा रहना चाहिए। बहुत हो गया नहीं तो मैं बहुत नहीं हुआ है तो उल्टा सवाल मैं करूं, कोई कहानी है
क्यों नहीं होती है? एक तो कहानी पर नहीं होता है, आपने कह दिया, लेकिन आप बहुत सारी कहानियां पढ़, क्या उस कहानी में नहीं होता है या क्या होता है? उस कहानी में नहीं होता है या क्या होता है जिसको देखकर मैं पढ़ ही नहीं पाता। मैं आपसे चाहूंगा का दाना उठा के देखते हैं तो पता लग जाता है, किस किस क्षण पर मुझे एक दो बात में पता लग जाता है। मुझे लगता है कि शुरू है, आप जिस कैमरा कहाँ रख रहे हैं पता चल जाता है कि आप क्या शूट करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है पता चल जाता है, बिल्कुल पता चलता है। और बहुत ज्यादा पढ़ने की फिर जरूरत रह नहीं जाती, क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब आपने यहाँ कैमरा रखा है तो सामने क्या आना है ना, आपने यहाँ रखा है तो इधर क्या आना है। तो मुझे लगता है जो जो जो, जो जहाँ से आप खड़े हैं वो जो कोण है आपका जो, उससे कि आप कहाँ पर हैं। तो जो हुआ तो अंग्रेजी तो कभी आती ही नहीं थी, मैं अंग्रेजी अब खूब बोलता हूँ, सीखिए मेहनत करके। और हमारे काव्य हैं, खंड काव्य हैं, महा सभी आला खूब गाई जाती थी, महाभारत हर जगह थे, फिर श्रवण कुमार की कथा थी, राजा अमान की कथा थी। भारत में आप भी आप गाँव में जाएंगे बचपन कहानियों से टीवी सीरियल से गिरा रहता है, उसी तरह की कहानियों से गिरा, लेकिन एक समय था। और अब कहानियां लिखी जा रही हैं वो भी अच्छी लिखी जा रही है, मैं तो अभी की कहानियां पढ़ता हूँ। मुझे कई बार लगता है कि यह एक नया समय है और कहानियां तब भी लिखी जा रही हैं, अब भी लिखी जाएंगी और नई तरह से लिखी जाएंगी। कहते हैं ना जो बोर्खेस कहता था, कहानी तो लिखी जा चुकी है, हम लोग उसकी रिटेलिंग करते हैं। कहानी वही रहती है, चाहे वो बाबा आदम के जमाने की कहानी रही हो, चाहे आज इंटरनेट, अगर आप उसके अंत में जाएंगे तो वही प्रेम होगा, वही घृणा होगी, वही सब कुछ होगा। बस उसका पूरा क्या कहते हैं उसको, जो ऊपर का टेक्सचर है, उसकी जो मांस मज्जा है वो बदली हुई होगी। आप अगर आप किसी 19वीं सदी के शुरू की कहानी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, इंटरनेट नहीं मिलेगा, उसमें रिचार्जिंग नहीं होगी, बहुत सारे शब्द नहीं होंगे। लेकिन कहानी अगर आप इनको भूल जाएंगे तो वही कहानी होगी। तो मुझे लगता है कहानी वही कहानी को कहते हैं, बार बार कहते हैं और नए तरीके से कहते हैं और वो कही जानी चाहिए। उससे कहानी लिखना शुरू किया तब से अब तक एक पीढ़ी तो बड़े आराम से गुजर चुकी है और अब बहुत सारे नए लड़के लड़कियां कहानियां लिख रहे हैं, उनकी कहानियों को क्या आपको लगता है कि आपका और इनका स्वर अलग अलग है? तो करो आप एक पीढ़ी कह रहे हैं, तीन पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, मैं लगभग 70 साल का हो रहा हूँ, सोचिए आप, है ना। और अमेरिका की ही बात है तो वहां भी देखिए तीन पीढ़ियों ने अनुवाद किया है और करते ही जा रहे हैं। यहाँ भारत में भी मराठी में जिन्होंने नारायण सुर्वे ने अनुवाद किया और अब नए बच्चे अमोल गोले अब फिल्म बना रहे हैं ना। तो ये मैं कह सकता हूँ कि खुशी यही होती है कि किसी एक पीढ़ी ने नहीं, लगभग तीन तीन चार चार पीढ़ियों ने स्वीकार किया। तो मुझे लगता है कि जो चीजें होती हैं अच्छी और जो कुछ कहती हैं उनको लगातार स्वीकृति मिलती है, ठीक है ना। उमा के हम अपने इतना बढ़िया श्रोता समुदाय यहाँ मौजूद है, अगर आप लोग भी इस चर्चा में भाग लें तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आपके प्रश्न में आपकी टिप्पणियां सादर आमंत्रित। हाँ जी जी भाई, और दिल्ली की दीवार में एक आखिर में लेखक कहता है कि मैं भी चाहता हूं कि मुझे कहीं से इतना पैसा आ जाए ताकि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। नहीं, ये तो मेरे ख्याल हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहेगा कि, बल्कि उसका गाना है ना जो अदनान सामी गाता है, लिफ्ट कर है ना, तो गाड़ी बंगला कार दिला दे। तो जो 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 डिजायर्स पैदा की गई तो हर किसी के भीतर पैदा हो गई। अब आप सिर्फ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आप स्टडी में जाइए, आप जंगल में जाकर के कुटिया बना लीजिए, बाबा आमटे की तरह रहिए, है ना। तो वह भी एक पद्धति है, ऑस्टेरिटी में रहिए,
लेकिन हो क्या गया है मान रहे हैं अभी मेरे पास आईफोन 10 XS है मतलब कितने का होगा ये कितने का होगा ये काफी महंगा है बहुत महंगा तो काफी महंगा होगा शायद और उसने पेपर कहा कि हर तीसरे चौथे महीने एप्पल और एंड्रॉइड कोई भी कंपनी लेके वो अपग्रेड करते हैं और आपका पुराना मोबाइल बेकार हो जाता है और आप उसको फेंक देते हैं। आप जानते होंगे कि ये ऐसा 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 है जो कभी रिसाइकल नहीं किया जा सकता। इतना इतना ज्यादा ये विकिरण रेडिएशन जनरेट करता है। आप अगर आपका पुराना मोबाइल है उसको दूर ले जाइए कहीं फेंक दीजिए तो रहा आता है घर में। किससे बंद क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोल्टान होता है इसमें और वो है ना और ये भी खराब करेंगे। लेकिन एक चीज है मैं आपको बताऊं कि आप सभी कलाकार होंगे लेखक होंगे बुद्धि जब आप कुछ लिखते पढ़ते बहुत सारी चीजें आपके पास आती हैं कोई गिफ्ट दे आता है। अब जैसे उनकी कविता है ना त्रिलोचन जी की एक कुम्हार था जिसको राजा ने खुश होकर के हाथी दे दिया था है ना तो वो पुत्र तब भी मैं भर लेता था। आपने इतना बड़ा पेट दे दिया है हाथी का पेट अब उसको कैसे भरूंगा। तो है क्या कि बहुत से ऐसा होता है कि आपको वो चीजें आ जाती हैं आपके पास सम्मानी तरह अमीर हो जाए और हर किसी का ड्राइवर उसी तरह के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहे जैसे उनके रहते हैं। इसमें अमानी भी नाराज नहीं होगा कोई नाराज नहीं होगा। क्यों नाराज होगा? क्या वो चाहेंगे पूरा हिंदुस्तान गरीब रहे? क्या समाजवाद क्यों असफल हुआ? क्योंकि 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 मार्क्सवाद या ये समाजवाद ये गरीबी बांटने का विचारधारा नहीं थी। वह सबको समृद्ध मैं तो घूमता हूँ मैं तो पुरानी पूर्वी जर्मनी भी गया जाकर के देखा तो मुझे लगा कि इन्होंने गलती क्या की है कि जो सबसे बड़ा उनका भवन था जैसे जिसको दुमा हाउस बिजली विभाग की कोई बिल्डिंग उन्होंने कोई चीज सुंदर नहीं रखी। उन्होंने स्त्रियों की जो मूर्तियां था लगा कि ये सिर्फ मजदूर हैं एक के हाथ में हावड़ा पकड़ा दिया एक के हाथ में सब्बल पकड़ा दिया ऐसे स्त्री शक्ति जो तो मजदूर तो है ही वो अब उसको और मजदूर बनाएंगे आप वो तो डोमेस्टिक सर्वेंट है वो एज अ लेबरर। तो वो जो सुंदरता वह जो एक कल्पनाशीलता जो होनी चाहिए थी वो नहीं रही। तो मुझे लगता है कि बड़ी गलतियां हुई हैं और इसीलिए कई कई बार मुझे लगता है कि शायद किसी भी तरह का इंडॉक्ट्रिनेशन नहीं ऐसा होना चाहिए आपको ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए आपको वो कई तरह उधर भी हैं वो सब शायद गलत हैं क्योंकि मनुष्य मनुष्य की तरह रहना चाहिए और तभी शायद आप अच्छी कहानी लिख पाएंगे। हाँ अगर आप लिखना चाहते हैं कि आपको टीवी कमर्शियल वो भी हम ही लोग करते हैं और हम कमर्शियल भी सक्सेसफुल हैं बुरे नहीं हैं लेकिन कोशिश ये करते हैं कि हम वह ना करें कि कोका कोला मतलब ठंडा मतलब कोका कोला हो जाए। क्या आपको प्यास आपको भोजन कोई हो जाए हम कोशिश करेंगे रचना में जीने कमाने के लिए कुछ भी क्या करेंगे आप करना पड़ता है और यह स्वीकार करना चाहिए कि सर्वाइवल एक ऐसी चीज है जो कहते हैं आपद धर्म कि भृगु को भी कुत्ते का मांस खाना पड़ता है जीवित रहने के लिए है ना। तो वो एक अलग अलग मुद्दा है मुझे लगता है कि हम लोग इसको समाप्त करें क्या बहुत लंबा हो रहा है। मैं सचमुच बहुत ही क्षमा चाहता हूँ और दुर्गा प्रसाद जी ने तो इन्होंने पहले भी एक बार बातचीत की इतनी अच्छी बातचीत थी वो अभी भी मैं कई बार याद करता हूँ उसको
और राजस्थान तो आता ही रहता हूँ, और आप कभी फिर बुलाएंगे फिर आऊँगा, और बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी, आपको सुनते हैं तो लगता है सुनते ही रहें, वक्त थम जाए।